एक बार भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। शाम होने लगी थी, शिष्य बहुत थक गया था। वह बुद्ध से पूछता है, और कितनी दूर है? बुद्ध कहते हैं, बस थोड़ा और। आगे चलकर एक ग्वाला मिलता है। शिष्य फिर पूछता है, अरे भाई कमलगांव कितनी दूर है? तो वह ग्वाला कहता है, बस थोड़ी आगे और बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराता है। चलते चलते काफ़ी समय हो गया था, उसे कोई गाँव नज़र नहीं आ रहा था। तभी वह एक बुढ़िया को देखता है और बुढ़िया से पूछता है। वह बूढ़ी औरत भी कहती है, बस थोड़ा और। अब सूरज डूब चुका था, अंधेरा लग चुका था। चलते चलते उसे एक व्यक्ति नजर आता है। वह शिष्य उस व्यक्ति से पूछ उठता है, अरे भाई कमलगांव और कितनी दूर है? तो वह व्यक्ति कहता है, बस आ ही गया, मैं वहीं से आ रहा हूँ, चलते जाओ पहुँच जाओगे। शिष्य को अब बहुत गुस्सा आ जाता है और भगवान बुद्ध से पूछ पड़ता है, जो भी मिलता है यही क्यों कहता है कि थोड़ा और? हमें चलते चलते 5 घंटे हो गए हैं, अंधेरा लग चुका है, मैं थक गया हूँ। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, जब तुमने पहली बार पूछा तब 7 किलोमीटर दूर था कमलगांव, और अब सिर्फ 3 किलोमीटर। यदि पहले तुम्हें बता दिया होता तो तुम इतने नहीं चलते और वहीं रुक, इसलिए तुम्हें सिर्फ ये बताया गया कि बस थोड़ी दूर और, जिससे तुम चल सको। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हम उस बड़े लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं।